परीक्षाएं पूर्ण होना ही श्रेय देता नहीं है। इच्छाएं पूर्ण होने के बाद उसको सन्मार्ग में लगाने का विधान क्या है, क्या करने से हम सन्मार्ग में रहते हैं और हमारी इच्छा अनुसार हम जी सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मैंने बहुत सारे आजकल तो फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे हो गए हैं, बहुत लोग अपने उपदेश देने लगते हैं, आप ये साधना करो आपको ऐसा होगा, वो साधना करो आपको ऐसा होगा, नीचे लिखा होता है लक्ष्मी साधना होगी, इस लक्ष्मी साधना को अबे लक्ष्मी साधना है मेठा हुआ 2100 रुपये, अरे लक्ष्मी साधना से तेरे को 21,000 आ रही है मेठा हुआ 1 रुपये हुई मत लिखना, काम काम खत्म हो जाता है इसलिए लिखता है, तेरे को अगर लक्ष्मी साधना से 1 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं तो मेठा हुआ की क्या बात। मेरा कहना ये है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ध्यान के बारे में कहते हैं ध्यान के बारे में ऐसा करो ध्यान लगेगा शांति मिलेगा, शांति अपने अकेले के लिए या शांति घर के लिए, शांति गली के लोगों के लिए, शांति समाज के लिए, शांति देश के लिए, हमने कभी नहीं सोचा। आज हमारे भारत की स्थिति ऐसा होने का कारण क्या हुआ, केवल हम हमारी शांति के बारे में सोचते हैं, कोई भगवान का मंदिर बनते हैं कभी भगवान के पास जाते हैं गुरु चूरी मेरी तबियत ठीक नहीं है अच्छी करो भगवान मेरी तबियत ठीक कर दे, तो मेरी तबियत बोलते हो बाद में कहते हो मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, बाद में कहते हो कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, कभी भी आपने ये मेरी मेरी बातें कभी मेरे देश के बारे में कहा नहीं कहा, क्योंकि आपका बगल वाला आपको जो कष्ट पहुंचाता है कभी उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, बोले वो कष्ट पहुंचाएगा तो आप दूसरे दिन मेरे पास आ जाओ, जो मेरे बगल वाला है बहुत प्रयोग करता है मेरे ऊपर, मेरी दीवार गिरा दी, आप ऐसा करो कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग हो जाए, अरे बगल वाला तेरा भाई है ये है, कभी तो नहीं कह गया कि तेरे देश पे आपत्ति आई है, दूसरा देश वाला तेरे ऊपर आपत्ति कर रहा है तो भी उसके ऊपर कोई प्रयोग करो, ऐसा भी नहीं करेगा, तुम्हारे तुम्हारे शत्रु का नाश हो जाएगा, तो फिर ध्यान देता है शत्रु का नाश, कौन शत्रु, भाई शत्रु है, पत्नी शत्रु है, पति शत्रु है, बच्चा शत्रु है, शत्रु कौन है हमारे, हम ये छोटी छोटी बातों में जो जगड़ रहे हैं और भावी विचार विश्व के बारे में विचार नहीं करते, देश के बारे में विचार करते हैं और ये छोटी छोटी चीजों से अपने आप में घर कर अपना नाश कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में कर्म सिद्धांत था यानी कर्मों को मानते थे, उस समय हर आदमी एक अगर दूसरे को सहायता कर रहा था, चाहे बिल्लियाँ बनाने वाला हो, मट्टी की हड्डियाँ बनाने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने वाला हो, उस समय ये होता था कि खेती में ये भी पता था इन सभी के भाग निकाल रहा था, राजा को भी भाग दिया जाता था, लेकिन उस समय कर्म सिद्धांत था, इसलिए देश के बारे में एक दूसरे से प्रेम और जागृति लेकिन आज क्या हुआ संचय करना आरम्भ हो गया, हमें क्या मेरे पास अगर पैसा रहा तो बस मैं संसार को जीत लूंगा, लेकिन संसार को जीतेगा वो खुद अपनी फैमिली में ही झगड़े कर जाते, इसका कारण क्या हुआ कि हमारे पास धन है, हमारे पास है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भाई तुम्हारे, मेरे पास ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु मेरे बहन जो मेरे पिता ने 10 तोला सोना और 10 लाख रुपए दिए, अब मेरी बारी आई तो 5 लाख सोना 5 पूरी कर रहे, ये अन्याय है ना, मुझे बाकी का पैसा दे, बेटी बहन बहन बात कर रहे हैं बाप के बारे में, इसका कारण क्या पैसा रहने की कारण, भाई और भाइयों का कारण, तो इस धन के बारे में जो विचार अपने हैं इसको किस तरह बदले, क्या करने से हमको धन धन की आवश्यकता हर एक जीवन में है ये भी बात मानता है, लेकिन धन की आवश्यकता इतनी नहीं कि जिसमें झगड़े पैदा हो, जिसमें हमें हमारा सुख मान पा जाए, जिसमें हम दुख का कारण बने, ऐसी ऐसी क्रियाएं हमारे जीवन में होती क्यों, मैंने देखा है बहुत बार भी आपको कहा है, मेरे पास लोग आए थे जब चलते चलते थे तो उन्होंने कहा प्रभु मैं स्कूल को जाता हूँ मुझे चलते जाना होता है 4 किलोमीटर चलता हूँ, मैं साइकिल खरीदना चाहता हूँ, साइकिल खरीदे तो बहुत बढ़िया अच्छा हुआ, बात यह हुई कि साइकिल खरीदा जाने अगर उसका ट्रांसफर हो गया और 10 किलोमीटर मुझे साइकिल से बहुत तकलीफ हो रही, स्कूल पर खरीदा तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा कि भी स्कूटर खरीदे स्कूटर खरीदा तो मुझे मेरी बच्ची बड़ी हो गई है वो कहते हैं पिताजी कितने भी स्कूटर पर जाओगे मेरे बगल वाले को देखो तो कार भी जाता है और आप स्कूटर भी जाते हैं, उसने लोन लिया और कार खरीदा, कार ले लिया बच्ची कार चला रही मेरे पास है, मुझे क्या कहूँ बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ मुझे 4-5 लाख रुपये का लोन हो गया है पर इसलिए वो कार खरीदा, नहीं खरीदता तो ठीक होता ना, अब वो लोन खरीदा कार खरीदता तो उसका भाव भी मेरे ऊपर पड़ गया कि मैं उस लोन को चुकाऊँ और उसका कार छुड़ा दूँ, कार के बाद घर आए घर के बाद शादी आई शादी के बाद अब ये करते हुए उसका जीवन हो गया, मैं बोला ये सब कर दिया तुमने भूल गई क्या किया अब क्या करता हूँ
हम क्या है बात बी डिवीजन के बाकी के बी डिवीजन के लिए बात फिर कुछ करने के लायक है बस आपके शरण में अगर आप कहो तो आश्रम में आकर रहता हूं हमारी स्थिति दिमागी कभी इस बारे में बात नहीं करते मैं गुणकारी क्या करूँ मेरे से गुणकारी क्या हो सकता है कि कभी और जब गुणकारी करते हो तो आपको आपके समाज की आपके देश की और आपके विश्व की चिंता आप में हो सकती है ऋषियों की परंपरा थी आप जानते हैं हमारे ऋषि जिनके पास कामधेनु थी जिनके पास स्वर्ग में जीवन था जिनको परोसने के लिए अप्सराएं भी आती थी लेकिन वो अकेले में जब रहते थे तो जो खांस निकलती थी उसकी रोटी या जो जवाब पैदा करते थे उसकी रोटी खा लिया करते थे गोद प्रकार की क्या होता है गोद प्रकार होता है उनके पास क्या धन था केवल गायों का धन था वो अत्रा इति गोत्रा उस ऋषि परंपरा में शिष्यों का पहले चयन कैसा होता था शिष्यों को कैसा चुनते थे वो लोग आप उस शिष्य को आते ही कहते थे कि तू ये गौवे मैं तुझे 50 गौवे दे रहा हूँ जिसको एक साल तक तू चरा कर आया और ये 50 गौवे अगर 55 होती है या 60 होती है तो तू मेरे शिष्य बनने के लायक है और 50 के 45 हो गए तो तुझे दूसरे वर्ष भी भेजा जाएगा तीसरे वर्ष भी हो जाएगा तीसरे वर्ष तक गाय नहीं करनी होगी तो उसको कहते थे कि तू शिष्य बनने के लायक नहीं तब ये गाय चराने के लिए जब जाते थे तो बाहर वाले पूछते थे वो ये गाय किनकी है तो मैं वशिष्ठ बोलता रहा हूँ मैं वशिष्ठ से गाय लेकर वशिष्ठ महर्षि की गाय है मैं उनको लेकर आया हूँ ये कहते हुए वशिष्ठ बोलता था बुद्ध की बात क्या करते तो इस प्रकार गाय ही उनका धन था गायों को देखना गायों को चराना ऋषि चाहे कामधेनु तत्व को कामधेनु भी उसके पास हो स्वर्ण धन भी उसके पास हो साधनाएं भी कितनी भी उसके पास हो लेकिन उसने अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया उपयोग किया तो समाज के लिए उपयोग किया तो सारे संसार के लिए और ये जब तक ये भावना उसमें जागृत नहीं हुई तब तक हमारा हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया हमारा भारत संसार भर में श्रेष्ठता के साथ जीता था जो वो कर्म सिद्धांत पर था लेकिन आज ये हो गया मेरे पास बहुत लोग आते हैं मुझे ऐसा है कि वो अमेरिका में पावर बॉल लग रहा है आप जरा नंबर दे दो मुझे एक नंबर लग गया बस मेरा किस्मत खुल गई बोला क्यों रे पावर बॉल क्या है मैं तेरे को पावर बॉल देंगे मैं पैसे नहीं मैं ही पावर बॉल लगा के दे सकता हूँ अरे जब तक मैं यहाँ कर्म करके पैसा कमा रहा हूँ अगर मुझे वो ज्ञान है मेरा तेरे को पावर बॉल लेके तेरे को मुझे आने के बाद मैं पैसे ले लिए काम भी नहीं की तो लोग क्या करते हैं जितना भी हो इजी पैसा आ गया तो हम सीख लाठी लग जाए मुझे एक लाठी के बोल बता दो बस एक बार में वो 5 लाख करके तो मैं खुश हो जाऊंगा अरे क्यों खुश होना सही है बाद में तेरे वाले 5 लाख से तो तृप्त होने वाला नहीं पहले 5 लाख वो खर्च हो गया दूसरी बार आएगा पूरी 10 लाख की लड़की तो ये जो हमारे जीवन में चल रहा है हम समाज के बारे में या अपने इसके बारे में नहीं सोचते इसलिए हमारे घर में वह आतंक आज भी फैला हुआ है हम किसी दूसरे को आतंक फैलाने की बात ना करें आतंक तो हम ही फैला है आतंक हमारे पास धन संचय हुआ तो लोग उसमें लूटने के लिए आएंगे धन संचय नहीं तो सारा गए उसको खाली को दिखने उसको क्या है अपने जाते हैं गुलाम की तरह देखने लगे तो इन दोनों में हमें जीना किस तरह है ना हमें गुलाम बनना है आपको दो बच्चे बस हैं आपको एक बच्चा बस है एक बच्ची एक बच्चा बस है कभी माता पिता है उसका बुढ़ापा आया तो ये दो बच्चों में वो अपनी बीवी को देखेगा अपने बच्चों को देखेगा अपनी बीवी को देखेगा तो ब्रेटर की कोशिश को भेजेगा उनका गुरु मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं है मेरा बेटा डॉक्टर होगा या आगे ऐसे होगा या नेता होगा बिजली बता दी जाएगा क्यों क्यों नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसमें गारंटी नहीं तो जी के आएगा तो देश के लिए जाके आएगा तो इसकी गारंटी नहीं तो हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं हम दो बच्चों को जन्म देते हैं और दो बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे घर के पास से आता है और हम उनके साथ हमारी ये जो क्रिया है हमारे को हर तरफ से कस्टमेट कस्टमर डाल दी हम सक्षम हो इसके लिए क्या करना चाहिए हमारे पास किस विद्या के साथ हम एक सक्षम आदमी और शास्त्रीय आदमी बन सकते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी है एक बार बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और विश्वनाथ जी भी बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप सिद्धाश्रम को जानते हैं हाँ विश्वनाथ जी सिद्धार्थ को जानते हैं सिद्धाश्रम में क्या सिखाते हैं बात ऐसी आई हुई थी और उसने विश्वनाथ जी को आड़े हाथ दिया बोला तुम्हारा सिद्धाश्रम तो बैठे 25,000 सालों से 20,000 सालों से
क्या कर रहे हैं वहाँ के साधु, दो दो हजार वर्ष के, तीन हजार वर्ष के, और इस 2000 वर्षों में भारत की स्थिति क्या हुई? यहाँ दूसरे देश के लोगों ने या दूसरे जाति के लोगों ने आकर यहाँ राज किया, हमें गुलाम बनाया, हमारे मंदिर को, हमारे ग्रंथों को जला दिया, हमारे औरतों को छेड़ा, हमारे औरतों ने आत्महत्या की और सिद्धार्थ करके आप साधना करते रहे, तो इसके पीछे आपका राज क्या? ये तो बताओ कि सिद्धार्थ की स्थापना किसकी हुई, क्या करना चाहिए सिद्धार्थ के लोग अगर है तो उनका ध्येय क्या है? देश को बचाना, विश्व को बचाना, या हमारे जिस राम की आप पूजा करने सिद्धार्थ में कहते हो, जिस विष्णु की पूजा आप करने कहते हो, जिस भगवान शिव की पूजा करने को कहते हो, उस शिव जी का मंदिर अगर कोई तोड़ रहा है और हमारे भी शक्ति नहीं हम उसका सामना कर सके, तो सिद्धार्थ की योगी है तो उसकी रक्षा करें।